गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। आज है हरतालिका, इसलिए हम लोगों ने एकदम ट्रेडिशनल साड़ी वारी पहनी है। सुबह जल्दी उठ गए थे, ये रंगोली बनाई है मैंने। नायरा दादू के साथ आई है मॉर्निंग वॉक करके, बिकॉज नायरा घर में कुछ भी काम नहीं करने दे रही है। मम्मी भगवान की पूजा कर रही है, शिवानी शिवलिंग की पूजा करने गई है मंदिर, और यहाँ पे हरतालिका की पूजा स्थापन की है। ये शिवलिंग है रेती का जो बनाया है मैंने, और ये पांच शंकर पार्वती और उनके तीन बच्चे। तो अभी हम लोग इस पे पूजा करेंगे, फिर हरतालिका की कहानी बोलेंगे। एक बुक से हम लोग वो हरतालिका की कहानी पढ़ेंगे, उसमें फिर आज हमारा मेरा मम्मी और शिवानी का व्रत है। और अनफॉर्चुनेटली आज मनीषा दीदी और रीमा आंटी दोनों भी नहीं आए हैं, पर ठीक है, उनका भी फेस्टिवल है, उनका बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है आज। अखिल सुबह सुबह क्लास गए हैं। अरे हाय बोलो। हाय गाइज। मैं अभी बाहर गई थी, मतलब वहाँ पे मंदिर है शिव भगवान का, तो वहाँ पे पूजा करने गई थी, और अब मैं पूजा से आ गई हूँ, और फिर अब मैं यहाँ पे भी पूजा करने वाले हैं हम सब तीनों मिलके। तो अभी पूजा स्टार्ट करने वाले हम लोग, और अभिषेक हो चुका है, और फिर अभी हम लोग सारे जितने भी बेल पत्र हैं, वो बेल फल, फिर बेल के पत्ते, ये सारे अभी हम लोग चढ़ाएंगे। और वहाँ पे पूजा चल रही है, और यहाँ पे नायरा, नायरा बोलो कैसे हो, बोलना। और देखो कैसा कर दिया पूरे घर में, बिस्किट लिए और फेंके, पूरे घर में बिस्किट फेंक दिए। तो अभी सुबह के 11 बज रहे हैं, मैं डांस क्लास पर से अभी जस्ट आया हूँ, क्योंकि क्लास का डेकोरेशन कंप्लीट करना था। तो लाइटिंग वाले भैया आए थे, उन्होंने क्लास का डेकोरेशन काफ़ी अच्छा कर दिया है, अभी बहुत अच्छा लग रहा है देख के। और घर में पूजा चल रही है, कुणाल शॉप का काम कर रहा है, मम्मी शिवानी पूजा, ये लोग पूजा कर रहे हैं, और नायरा ने तो आपने देखा अभी क्या कर रही है। तो ये बदमाश नायरा पे ध्यान देने की जिम्मेदारी आज नानी के ऊपर है, नानी को इधर ही बिठा दिया है कि भाई देख लो कब कहाँ क्या कुछ करेगी, कुछ सच्चा नहीं इसका। जय जय जो हमारी हरतालिका की पूजा पूरी हो गई, मतलब बहुत ही अच्छे से हुई है, और मैंने नारियल चढ़ाया है क्योंकि मेरी पहली हरतालिका थी, तो मेरे को हरतालिका पहले लेनी पड़ती है, मतलब इन द सेंस पूजा फर्स्ट जो टाइम करता है ना, तो फर्स्ट टाइम वो नारियल चढ़ाता है, एंड देन उसके बाद उस पूजा स्टार्ट होती है। ये देखो मम्मी ने कितना खतरनाक जुगाड़ किया है, तोरण बनाया और नायरा के खिलौने से, मतलब देखो ये सर्कल पे ये सारे फूल की लटे बांध दिए। तू पहले पैर तो पढ़ा। हाँ बाप रे, हाँ मैं सबको पैर पढ़, सब लोग पैर पढ़ो, सब लोग मिलके पैर पढ़ा रही है नायरा। सास बहू ट्विनिंग, निखिल भैया श्रुतिका भाभी और यहाँ से पैर पढ़ लेते क्योंकि इधर नहीं है। तो आज रेड वाली थीम है, दोनों सास बहुओं ने सेम पहना है। ये साड़ी तुमने शादी के अगले दिन भी पहनी थी ना, इसको बर्थडे में दी है। अच्छा वो एक है, वो शादी के अगले दिन वाली भी सेम थी ना, वो अलग थी कुनाल, ये बांधनी है। अच्छा नाइस लुक, मस्त दिख रहे हो। ये सब क्या तैयारी चल रही है? हरतालिका की पूजा है, उसे हरताल तीज बोला जाता है, तो उसकी भी तैयारी है, और कल मेरा उपवास रहेगा, तब सिर्फ फ्रूट्स खा सकते हैं, नमक नहीं खा सकते, सिर्फ फ्रूट्स और दोनों टाइम मतलब जिसको ऐसा करना है ऐसे कर सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, बट मैं सिर्फ फ्रूट्स पे ही करती हूँ उपवास। और खाना मैं नेक्स्ट डे जब गणपति बापा की स्थापना हो जाएगी घर पे, क्योंकि हम गणपति बाबा बिठाने वाले हैं, तो उनकी जब स्थापना हो जाती है उसके बाद खाना खाते हैं, तब उपवास छोड़ते हैं। तो अभी सब तैयारी चल रही है, मैंने कल की पूजा की तैयारी कर दी है, तो ये कल की पूजा की तैयारी है पूरी, तो मैंने करके एक साइड में रख रही हूँ, और गणपति भगवान की जो स्थापना की तैयारी लगेगी उसकी अलग थाल बनाऊंगी मैं, तो धीरे 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 प्रिपरेशंस कर रही हूँ। गुड मॉर्निंग गाइस, और आज है हरताल तीज, और मैं
रेडी हो चुकी हूँ पूरी पूजा करने के लिए। मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कैसे पूजा पूरी लगाई है वहाँ पे। निखिल ऑफिस गए हैं इसीलिए वो वीडियो नहीं ले पाऊंगी मैं, क्योंकि मुझे पूजा भी करनी होगी तो मैं वीडियो साथ में नहीं ले सकती, इसलिए मैं पहले वीडियो ले रही हूँ, फिर आपको ये पूजा दिखाती हूँ और फिर पूजा होने के बाद फिर से आपको मैं वीडियो दिखाऊंगी। तो मैंने ऐसी पूरी पूजा प्रिपेयर की है, रेती से शिवलिंग बनाई है शिव जी की, और ये कथा की बुक और ये सारा सामान, ये प्रसाद बनाया मैंने, खड़ा प्रसाद बोलते हैं इसे, आटे का हलवा। तो अब मैं पूजा स्टार्ट कर दूँ। अभी मेरी पूजा हो गई है, बहुत अच्छे से हो गई आराम से, तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। कथा भी पढ़ी हमने और पूजा भी हो गई अच्छे से। तो ये मुझे मेरे ससुराल से मिला एड्रेस, काफी अच्छा लगा, थैंक यू पापा। श्रुति शाह लिखते रहे पापा शॉप पे थे तो पापा के पेट पढ़ना बाकी थे। तो अभी मैं और शिवानी ओंकारेश्वर मंदिर जा रहे हैं दर्शन के लिए। तो अभी हम लोग पहुंच गए मंदिर, अभी दर्शन कर लेते हैं। तो अभी हमारे दर्शन हो गए और अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। और यहाँ देखो कुणाल की हरकतें। देखो मैंने चश्मा निकाला ना तो चाबी इधर ही भूल गया था मैं गाड़ी को। अच्छा वो गाड़ी नहीं गई, नहीं तो बस। तो अभी हमने दर्शन किए तो यहाँ पे भी हमें हमारे सब्सक्राइबर मिले जो कि मलकापुर से हैं, पर यहाँ पे स्टडी करने आए हुए। हाँ अच्छा लगता है मिलके, लोग जानते हैं हमें थोड़ा थोड़ा लोग जानते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है कि कोई हमसे मिले ऐसा। तो अभी हम लोग जा रहे हैं आके, अभी क्या लेना है हमें, मिर्ची की दाल लेनी है और भाभी के लिए फरियाल लेना है। हाँ, साबुदाना खिचड़ी और आलू पेटिस। तो हमने सारा सामान ले लिया है, भाभी के लिए आलू पेटिस ले लिया, खिचड़ी ले ली और शिवानी को रास्ते से जाम भी दिखे थे तो जाम भी ले लिए। अभी हम लोग जा रहे हैं घर पे और हम लोग आ गए अभी मार्केट से। अभी हम लोग खाना खाने बैठ चुके हैं, भाभी का उपवास है, मम्मी का, शिवानी का भी उपवास है। तो हमने हमारे लिए आज बाहर से मिर्ची की दाल लाई है, दाल गंडोरी बोलते हैं इसे जलगांव में। और आज हम लोग गणपति बुक करने भी जाने वाले हैं, हम लोग क्लास पे एक गणपति बिठाते हैं और घर पे। और यहाँ नायरा चावल दे रही है। नायरा चावल दो माता, बस 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 बस, थैंक यू। नायरा मुझे खाना है परोस रही है अभी, इतनी बड़ी हो गई हो मतलब। देखो ये गणपति बप्पा मोया, मंगल मूर्ति मोया। तो दोस्तों अभी बजे शाम के 5 और मैं, शिवानी, मम्मी, नायरा, पूजा भाभी, अखिल भैया, पापा, मम्मी, हम सब लोग मिलके जा रहे हैं गणपति बुक करने। हम लोग घर के लिए एक छोटा गणपति ले गए और डांस क्लास के लिए और थोड़ा बड़ा गणपति। नायरा क्या बोलते कैमरा में, कैमरा चालू होने के बाद क्या बोलते अपन, बोल कैमरा स्टार्ट होने के बाद क्या बोलते अपन, बंदर सब सीखे। हाँ अम्मा अम्मा। तो यहाँ पे आकाशवाणी चौक है, हर साल हम वहीं से लेते हैं। चल नायरा बैठ जल्दी अंदर बैठ। क्या किया? तो हम लोग आ गए हैं आकाशवाणी चौक। अभी मैं बताता हूँ यहाँ पे पूरे गणपति के स्टॉल लगे और अभी मम्मी केले के पत्तों के लिए ये स्टैंड ले रही है, फर्स्ट टाइम ले रहे हम लोग। ये देखो ये ऐसा रहता, मतलब इसको बांधने की जरूरत नहीं रहेगी अब। गणपति बाप्पा, शिवानी फर्स्ट टाइम जलगांव में गणपति चूज कर दी, कैसा लगा? मैं जलगांव में ही फर्स्ट टाइम आई हूँ तो मेरे लिए फर्स्ट टाइम ही। शादी के बाद पहली बार पहला गणपति। यस। अभी हम लोग सब मूर्तियाँ देख रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा कौन सी लेके आ ले, इतने सारे है ना, इतनी सारी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ है ना, तो समझ में ही नहीं आ रहा कौन से पिक करना घर के लिए और क्लास के लिए। ये देखो हमने नायरा के लिए क्या लिया, बता नायरा। अभी हम लोगों ने मूर्ति फाइनल कर दी है और बहुत ही प्यारी मूर्ति है, आप देखोगे तो आप भी बोलोगे अरे वाह बहुत यूनिक है। हमने क्लास की भी डन कर दी है, अभी घर के लिए भी घर की मूर्ति भी डन करने वाले हैं। तो अभी हमने क्लास का और घर का दोनों गणपति बुक कर लिया है और नायरा के लिए जूस लिया है, फिलहाल तो हम जूस पीने में बिजी है भाई, मौसम्बी का जूस। फाइनली हम लोग दोनों मूर्तियाँ बुक करके आ गए तो, और कल सुबह हम लोग पापा को लेने जाएंगे। तो आज का ब्लॉग हम लोग यही एंड करते हैं, थैंक यू सो मच हमारे ब्लॉग्स देखने के लिए, इतना प्यार देने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, ब्लॉग को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।
चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।